वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइस. सो आज का वीडियो होने वाला है आपकी रिक्वेस्ट इन डिमांड पे वन मिनट साड़ी हॉल, जिसकी मुझे हर वीक रिक्वेस्ट आ रही थी कितनी साड़ी हॉल कब करोगे, वन मिनट साड़ी हॉल कब करोगे. तो फाइनली मैं लेकर आई हूँ वन मिनट साड़ी हॉल, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे है एंड आपने मुझे बोला था कि मिंत्रा से आपको देखनी है वन मिनट साड़ी हॉल. सो मैं मिंत्रा से ही लेकर आई हूँ साड़ीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली. जितने भी साड़ीज मैं आपको दिखाऊंगी वो टोटली पार्टी वेयर है एंड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई. और वन मिनट रैपिंग साड़ी जो होती है उसमें पूरी प्लेट से बनी होती है, तो सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है साड़ीज में वो प्लेट्स बनाना होता है. अगर प्लेट्स बनी हुई है तो बस पल्लू आप इजीली बना सकते हो, पल्लू की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है. प्लेट्स बनी होनी चाहिए क्योंकि मुझे प्लेट्स बनाना और उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता है. मैं बहुत ज्यादा पिनअप करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे चलूंगी और मेरे प्लेट्स खुल जाएंगे. तो मैं बहुत कंफर्टेबल साड़ीज में बिल्कुल भी नहीं होती हूँ. उनको भी मेरी तरह प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हॉल परफेक्ट है. अगर आपको साड़ी अच्छे से कैरी करना नहीं आता, उसे पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो ये हॉल आपके लिए है. क्योंकि वन मिनट साड़ी हॉल बेस्ट ऑप्शन है साड़ी लवर्स के लिए और जिनको पहनना नहीं आता उनके लिए. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि कौन सी साड़ी आपको अच्छी लगी आज के हॉल. सो विदाउट ado लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. ओके, सो माय फर्स्ट आइटम इज दिस वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर की साड़ी जो कि इंडस ब्रांड से है एंड कुछ इस तरीके की इसकी कलर है एंड कुछ इस तरीके की इसकी प्लेट्स हैं. पूरे साड़ी पे आप देख सकते हैं इस तरीके की प्लेट्स बनी हुई है. यहाँ पे पल्लू है और यहाँ पे ये आपको नारा मिलेगा, लाइक पेटीकोट में जिस टाइप का होता है बिल्कुल उस तरीके से. इस तरफ से भी आपको बांधने वाली मिलेगी बट ये अंदर चली गई है, सो पिन से मुझे उसे बाहर निकालनी पड़ेगी. और कुछ इस तरीके से, सॉरी ये पूरी बाहर आ गई, हाँ सॉरी, तो इसे मुझे लगाना पड़ेगा. सो कुछ इस तरीके से आपकी ये साड़ी है, जिसका ये नारा को आप अंदर लगा के आप इस तरीके से अपने वेस्ट साइज में ऐसे बांध सकते हैं. यहाँ पे आप टाई कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से. और इसके साथ आती है ये अटैच पल्लू और इस पल्लू पे ये बहुत ही खूबसूरत गोटापट्टी डिटेलिंग है जो कि बहुत ही क्लासी और बहुत ही रिच लग रही है कुछ इस तरीके से. एंड इसका पल्लू का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, लाइक एक लेयर आपको सामने मिल रही है, बैक साइड पर ये दूसरी लेयर है. पीछे से भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से इसके पल्लू है. सो ये साड़ी में अटैच पल्लू और काफ़ी लंबी पल्लू है, कुछ इतना लेंथ है इसके पल्लू की, जो कि वेयर करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा ऑसम है, बहुत सुपर फाइन है. सो पहनकर ये बहुत अच्छी लग रही है बट ये साड़ी का पल्लू इतना ज़्यादा लॉन्ग है कि आपको वेयर करने में इसे बहुत प्रॉब्लम होगी. लाइक लहंगा साड़ी और वन मिनट साड़ी जो होती है वो बेसिकली होती है कि आपको ईजी हो वेयर करने में, बट इसका पल्लू बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी वेयर करने में होगी. थोड़ी पिन विन लगानी पड़ेगी जब आप सामने से ऐसे पीछे जाके आंचल आगे को लाते हो, तो पिन विन बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ेगा क्योंकि पल्लू बहुत ज़्यादा लॉन्ग है. कलर बहुत ऑसम है, मटेरियल इसका बहुत ज्यादा सुपर फाइन है, बहुत ज्यादा ही रिच मटेरियल है, पॉली जॉर्जेट इसका मटेरियल है और मुझे ये काफी पसंद आई. बट ये वन मिनट साड़ी जो इजी होती है वेयर करने के लिए उस टाइप की नहीं है, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसे वेयर करने के लिए बिकॉज ऑफ पल्लू. एंड ये इनर लाइनिंग के साथ है, पूरे फुल साड़ी में आपको ये लाइनिंग मिलेगी जो कि इसका मटेरियल मैं आपको दिखा दे रही हूँ. मटेरियल इनर लाइनिंग की भी काफ़ी अच्छी है. सो ये इनर लाइनिंग का मटेरियल है. पहनने के बाद ये लुक बहुत अच्छी दी ये साड़ी मुझे, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी. एंड मैं इसे रिकमेंड करूंगी, अगर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हो पल्लू और पिन बनाने में तो 100% आप इसे बाय कर सकते हैं. सिल्क ब्लेंड इसका मटेरियल है ब्लाउज का, तो वो पूरा जॉर्जेट मटेरियल है और ये पूरा सिल्क कॉटन काइंड ऑफ मटेरियल है. कुछ इस तरीके से ब्लाउज का कपड़ा है इसका प्लेन एंड नीचे को इसकी ये डिजाइन आती है कुछ इस तरीके से. बहुत ही ज्यादा फाइन फिनिशिंग है डिजाइन के, बहुत सुपर फाइन है. अगर बन जाएगी ब्लाउज स्टिचिंग के बाद बहुत ज्यादा ऑसम लगेगी और चेहरे पे बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस ये कलर दे रही है. एंड इस पे साइजेस नहीं है, इस पे सिर्फ वन साइज अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे आपको नारा दी हुई है जो कि पेटीकोट की तरह बांध के पहनना है. सो वन साइज अवेलेबल है एंड ये बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस साड़ी है और मैं इसे रिकमेंड करूंगी. Next to
साड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रस्ट ऑरेंज कलर की ये साड़ी है एंड कुछ इस तरीके से इसकी कलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है एंड कुछ इस तरीके की इसकी डिज़ाइन है. मुझे कलर बहुत अच्छी लगी इसकी एंड ट्रांसपेरेंट है बट चलता है साड़ियों पर क्योंकि आपको पेटीकोट ऑफकोर्स वेयर करना पड़ता है. सो कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको एक बांधने को मिली है एंड नॉर्मल जैसे साड़ी होती है वैसे ही साड़ी है ये. यहाँ पर आपको बटन्स मिले हैं. सो कुछ इस तरीके की ये साड़ी है एंड बेस्ट पार्ट इसकी साड़ी की ये प्लेट्स है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो ये साइड से बटन है, बटन लगाना है और प्लेट्स तैयार है. तो ये प्लेट्स है साड़ी की एंड उसके बाद आती है ये पल्लू वाला. यहाँ पे आपको मोती डिटेलिंग साइड में मिलेगी पूरे आंचल यहाँ पे एंड बेस्ट पार्ट है कि प्लेट्स भी बनी हुई है बहुत अच्छे से एंड यहाँ पे ये पल्लू भी बनी हुई है बहुत ही अच्छे से. यहाँ पे आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है. ये मोटी डिटेलिंग आपको पूरे साड़ी में कुछ इस तरीके से मिलेगी. और ये साड़ी मुझे पसंद क्यों आई है उसकी रीज़न है क्योंकि लहंगा साड़ी वन मिनट साड़ी में आपको जितना भी दिखाऊंगी उस पर थोड़ी फैंसी लुक आ रही है बट इस साड़ी पर पूरी टिपिकल साड़ी लुक आ रही है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. सो कुछ इस तरीके से आपको बस फोल्ड करना है पेटीकोट के अंदर. यहाँ पे आ रही है ये बटन और ये बटन पे आपको लगा देना है इसका प्लेट्स. यहाँ पे बस ये हो गया और ये आपको ले लेना है इस तरीके से पल्लू. और ये दे रही है पूरी साड़ी वाली लुक आप देख सकते हैं. और पहनने में लाइक इज रियली में वन मिनट साड़ी ही है. लाइक एक मिनट में ये साड़ी मैंने पहन ली एंड इसकी जो कलर है वो भी बहुत ऑसम है और कलर ऑप्शंस आपको और भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आप चेक कर लें. एंड इस पर मैंने साइज लिया है स्मॉल जो कि मुझे बहुत अच्छे से फिट आ रही है एंड ये कलर भी बहुत खिल रही है और ये पूरी टिपिकल साड़ी लुक दे रही है. इसकी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. इसका मटेरियल है पॉली जॉर्जेट. मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. लाइक मुझे ये पहन के बहुत कम्फर्टेबल फील हो रहा है. सो उसके साथ ही आती है ब्लाउज एंड बेस्ट पार्ट इसका साड़ी का ये ब्लाउज ही है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लगी. पॉलिस्टर इसका मटेरियल है एंड आप देख सकते हो पूरा ब्लिंकी ब्लिंकी शाइनिंग वाला ये ब्लाउज है. सो ये स्लीवलेस ब्लाउज है. यहाँ पे कोई भी स्लीव्स अंदर नहीं है और बैक इसका बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है. यहाँ पे आती है एक डोरी एंड यहाँ पे आप इस तरीके से इसका डिज़ाइन है जो कि आप ऐसे टाइट करके इजीली पहन सकते हो जिसपे बहुत ज़्यादा बॉडी आपकी नज़र नहीं आएगी. सो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ब्लाउज के साथ ये साड़ी बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर और बहुत ऑसम लग रही है कुछ इस तरीके से. बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि कलर इसका पहनने के बाद बहुत ऑसम लगा. ये भी पिंक कलर में कुछ इस तरीके से पिंक प्रिंटेड साड़ी है एंड कुछ इस तरीके के इसके प्रिंट्स हैं जो कि प्रिंट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है रेड एंड मैजेंटा कलर में. एंड इस साड़ी पे भी ऐसे ही प्लेट्स बनी हुई है एंड इस साड़ी पे आप नोटिस कीजिए सबसे बेस्ट पार्ट इसका डिज़ाइन मुझे लगा. हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ इस तरीके से हुक्स बनी हुई है एंड इस तरीके से इसकी प्लेट्स है कि आपकी कमर जो भी साइज़ की हो आप इजीली एडजस्ट कर सके. सो इतनी प्लेट्स इसकी पूरे साड़ी पे इस तरह पूरे साड़ी पे इस तरीके से इसकी प्लेट्स आ रही है. लाइक दी ये साड़ी कुछ ऐसी है. सो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके के नेट के डिज़ाइन बनी हुई है एंड बीच से यहाँ पे आपको मोटी की लटकन मिलेगी कुछ इस तरीके से ये लग रही है. सो ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे आपको इनर लाइनिंग पूरी फुल मिल रही है कुछ इस तरीके से. पूरी इनर लाइनिंग है एंड यहाँ पे अटैच आपको ब्लाउज का कपड़ा मिलेगा जो कि पॉली क्रेप मटेरियल है साड़ी का एंड ब्लाउज का दोनों का जो कि बहुत ही छूने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. मुझे काफ़ी मटेरियल्स की पसंद आई एंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई. लाइक प्रिंटेड साड़ी जो नीचे से पूरा नेट फ्लेयर लहंगे की तरह लग रही है एंड उसके साथ ये अटैच्ड रेडीमेड पल्लू है जो पूरी तरीके से बनी हुई है. सो कुछ इस तरीके की इसकी पल्लू है जो कि बनी हुई है बहुत अच्छे तरीके से. सो आपको इस साड़ी में करना बहुत ही कम मेहनत है
एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से पूरी हुक दी हुई है। अगर आपको कमर की साइज की नहीं भी होती है तो आप आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं, किसी टेलर पे देके आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो सकता है ये। सो इसकी ये जो पिन दी हुई है इसकी वजह से ये पहनना बहुत ही आसान है और इसे फिट भी करना बहुत ईजी है, लाइक अपने वेस्ट साइज में, क्योंकि वन साइज साड़ी है, अपने वेस्ट के साइज में आप इसे आराम से फिट कर सकते हैं या फिर ये हुक को एडजस्ट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से बस आपको ये साड़ी लानी है एंड यहाँ पे आपको जितने भी ये बटन्स, आपको हुक्स, जितने भी हुक्स मैंने आपको दिखाए हैं वो यहाँ पे आपके जो भी वेस्ट साइज में हो रही है उसे आपको फिट कर देना है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लूज हो रही है, लाइक मुझे ये हुक निकाल के थोड़ी आगे लगानी पड़ेगी तब ये मेरी परफेक्ट साइज हो जाएगी। फिलहाल मैंने एक पिन लगा के आपको दिखा दिया है एंड उसके साइड से ये पल्लू आ जाती है जो आप इस तरीके से घुमा कर आराम से ऐसे ले सकते हैं, दैट्स इट। बट इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है और अगेन ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल साड़ी है, पहनोगे जब आप पहनकर चलोगे तो बहुत ही अच्छा लहंगे वाली फीलिंग आएगी, बहुत ही कंफर्टेबल है, पहनने पे कोई भी प्रॉब्लम या चलने में कोई भी प्रॉब्लम नजर आपको नहीं आएगी। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ज्यादा ऑसम है एंड देखने में बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है, बहुत रॉयल लग रही है और पहनने पर बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे रिव्यू करने के लिए बोला है एंड अगेन जब मुझे ये साड़ी दिखी लिटरली मुझे लगा मैं इसे तुरंत खरीद लूँ। कुछ इस तरीके से नेट की ये साड़ी है एंड ये सेम जो रस्ट ऑरेंज मैंने आपको दिखाया वो सेम कुछ ऐसे ही साड़ी है, पहनना वैसे ही सेम इजी है और ये पूरी साड़ी वाली लुक आपको देगी। यहाँ पे अगेन ऐसी प्लेट्स बनी हुई है जिसको बस आपको ये बटन लगाना है, पूरी रेडीमेड बहुत ही खूबसूरत सी एकदम नीट एंड क्लीन प्लेट्स बनी हुई है एंड कुछ पूरी साड़ी ऐसी है। नीचे की तरफ आपको पूरी रफल मिलेगी, सो नीचे की तरफ ये पूरी रफल्स मिलेगी पूरी साड़ी पे एंड पल्लू पे भी सेम रफल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है एंड ये साड़ी पार्टीज में बहुत, मतलब ये साड़ी बहुत ज़्यादा क्लासी लग रही है, मुझे बहुत क्लासी लगी है साड़ी। सो इस साड़ी पे कोई स्पेशल पल्लू नहीं बनी हुई है, ये सेम पल्लू आपके एंड पे आ जाएगी, स्टार्टिंग से एंड तक सेम है पूरी ये साड़ी, लाइक पूरी रफल्स के साथ, बस इस पे प्लेट्स बने हुए हैं। ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि सिर्फ आपको पेटीकोट पे इसे एडजस्ट करना है एंड सामने वाले जो ये पिन बना हुआ है उस पर आपको ऐसे लगा देना है, आपकी प्लेट्स तैयार हो गई कुछ इस तरीके से एंड आपको लेना है फिर जैसे नॉर्मल साड़ी में पल्लू लेते हो बिल्कुल उस तरीके से आपको ये पल्लू लेनी है। आपको फ्रंट पे रफल्स मिल जाएंगे, इसमें कोई भी पल्लू नहीं बनी है, जैसे नॉर्मल साड़ी होती है वैसे साड़ी इसमें आपको पल्लू बनानी पड़ेगी और प्लेट्स जो है वो रेडीमेड बने हुए हैं। बेस्ट पार्ट इस साड़ी की मुझे ये लगी क्योंकि अभी साड़ियों पे बेल्ट का बहुत फैशन है एंड ये बेल्ट उसके साथ आती है, सो ये बहुत ही ज्यादा ब्लिंक करने वाली बहुत ही खूबसूरत सी बेल्ट साथ में है जिसके साथ आती है ये रेडीमेड ब्लाउज, मटेरियल पॉलिस्टर है एंड कुछ इस तरीके से स्लीवलेस ब्लाउज है, इस पर कोई भी स्लीव्स नहीं मिलेंगे अंदर आपको एंड बैक सेम है, अभी मैंने आपको रेस्टोरेंट जो दिखाया था सेम पैटर्न की ये साड़ी है, बस उस पर पल्लू बनी हुई थी, इस पर पल्लू नहीं बनी हुई है। सो कुछ इस तरीके से बैक है, सो एक डोरी आपको गले के पास मिलती है और एक डोरी यहाँ पे आपको बीच में डिजाइन वाले की मिलती है जो आप इसे खींच कर एडजस्ट कर सके। सो पॉलिस्टर मटेरियल है इसका एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये भी क्योंकि पहनने के बाद ये सच में बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है, सो मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगी क्योंकि बेल्ट वाली स्टाइल जो है अभी बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत ही पहनने में लाइक बहुत लाइट वेट, आप इजिली चल सकते हो, इजिली घूम सकते हो, सो ये चीज अच्छी लगी मुझे, सो आई लाइक दिस वन ऑल्सो। I've been running, running, running away from you. I've been trying, trying, trying to keep my cool.
आइटम इज दिस वेरी ब्यूटीफुल मरून कलर की ये पार्टी वेयर छड़ी चेक साड़ी जो कुछ इस तरीके से है. एंड अभी से पहले जो मैंने दिखाया था आपको पिंक वाला प्रिंटेड सेम पैटर्न है ये. कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए पिंस दी हुई है पूरी तरीके से और पूरी ये फॉइल प्रिंट बनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रही है. एंड ये अच्छे क्वालिटी के फॉइल प्रिंट्स हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत चीप क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है. कुछ इस तरीके से इसकी प्लेट्स है, इतनी घेर है जो कि पूरी लहंगे वाली साड़ी लग रही है ये. सो ऊपर ये सैटिन का पूरा डिज़ाइन है, नीचे की तरफ ये पूरी रबल्स बनी हुई है. एंड बैक साइड में मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा इनर लाइनिंग के साथ है जिसका लाइनिंग का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा ऑसम है. अच्छी मटेरियल के साथ है ये, पूरे नीचे तक लाइनिंग है इसकी और बहुत ही रॉयल लुक दे रही है मरून कलर. मुझे ये पहनकर बहुत ऑसम लगा, बहुत खिली मेरे पे ये कलर. एंड उसके साथ ये ब्लाउज का कपड़ा आ रहा है जो कि सेम प्रिंट्स की है और यहाँ पर ये ब्लाउज अटैच्ड है. साड़ी पहनने में ये सेम बहुत ही ईजी ब्रीजी है, कुछ इस तरीके की इसकी साड़ी है. एंड यहाँ पे प्लेट्स प्लेन मटेरियल दिया हुआ है जो मटेरियल मैं आपको बहुत ही जूम करके दिखा दे रही हूँ. सो कुछ इस तरीके से इसका मटेरियल है. एंड यहाँ पे प्लेट्स साइड में बनी हुई है, अगेन रेडीमेड प्लेट्स है ये पूरी बनी हुई है. सो पल्लू बनाने की आपको कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं है और सैटिन मटेरियल है. मटेरियल मुझे पसंद आई, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा रॉयल लुक दे रही है. लाइक आप मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी की पार्टी भी 100% पहन के चली जाऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है. एंड ब्लाउज आपको स्टिच करानी पड़ेगी तो सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, इस पर आपको ऐसे लगाना है और जहाँ पे भी एडजस्ट आपका कमर पे हो रहा है आपको ये हुक फिट कर देना है. ये इसका पल्लू है. सो यहाँ से पीछे की ओर करके आप इसे इस तरीके से वेयर कर सकते हैं. सो पहनने में बहुत ज़्यादा इजी है और देखने में भी इसकी लुक बहुत ऑसम है, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ऑब्वियसली पहनकर बहुत अच्छी लग रही है. एंड मैं इसे भी रिकमेंड करूँगी अगर आपके घर पर शादी है या कोई भी पार्टी आपको अटेंड करना है तो आप इसे 100% ले सकते हैं. आज का वीडियो आपको पसंद आया हो जो कि मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ही बनाई है. एंड पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि कौन सी साड़ी आपको अच्छी लगी. एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइज़.